अजमेर जिला परिषद सीईओ गजेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर आज पंचायत राज की सभी संस्थाओं में शुरू किया गया सफाई अभियान। जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों में की गई आज सफाई। विनायक उपखंड अधिकारी संजू मीणा, तहसीलदार स्वाति झा और कार्यवाहक विकास अधिकारी श्यामलाल जांगिड के साथ पंचायत समिति विनायक क्षेत्र के सभी अधिकारी एवं कार्मिकों ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर निःशुल्क मास्क का किया वितरण। 15 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं का किया जाएगा आयोजन। ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने प्रदेश की सभी जिला परिषद सीईओ को निर्देश जारी कर कहा है कि आगामी 15 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन करवाएं तथा ग्राम सभा में फसल के अवशेष, पराली को जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की जानकारी ग्राम सभा में ग्रामीणों को देवें। पिसांगन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गनेड़ा द्वारा दुकान आवंटन की शिकायत पर अजमेर जिला परिषद की टीम ने ग्राम पंचायत गनेड़ा पहुंचकर शिकायतकर्ता तथा सरपंच के बयान किए दर्ज। विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान ने जांच रिपोर्ट बनाकर जिला स्तर पर की प्रस्तुत। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट तैयार करने को लेकर ग्राम सभाओं का होगा आयोजन। मनरेगा आयुक्त पीसी किशन के निर्देश पर दिनांक 16 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आयोजित की जाएगी विशेष ग्राम सभा। ग्राम पंचायत में निर्वाचित महिला सरपंच के स्थान पर परिजनों द्वारा कार्य करने की शिकायत पर जिला परिषद द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि निर्वाचित सरपंच की ग्राम पंचायत के कार्य को देखें। अगर शिकायत में यह पाया जाता है कि निर्वाचित सरपंच के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति या रिश्तेदार ग्राम पंचायत के कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है या कार्य कर रहा है तो सरपंच के खिलाफ धारा 38 की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। साथ ही ग्राम पंचायत के कार्मिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई सरपंच आया तो वो ही जो सरपंच काम करे, सरकार ने इलेक्शन दिए है, उसकी सील से या उसी कुर्सी पर बैठ के अन्य कोई व्यक्ति जो उसी परिवार का सदस्य हो सकता है वो कार्य नहीं करे। और ऐसी यदि कोई शिकायत मिलती है तो जांच करने के बाद अगर सत्य पाई जाती है तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी है। साथ ही जो जनप्रतिनिधि है उसके खिलाफ भी धारा 38 का प्रकरण बना के DC ऑफिस में लगाया जाएगा।